नदियां होती है, इतने तो नदे भरे होते हैं, हम घर कहाँ जाए, हमारा तो कोई रास्ता ही नहीं, एक ही रास्ता हमारा तो। औरंगी नाले के इतराफ बसने वाले हर साल की तरह इस बार भी डरे हुए हैं। नाले में हजारों टन कचरा भरा हुआ है, मगर यहाँ के मकीनों का दावा है कि उन्होंने नाला उबलते तो देखा है, साफ होते हुए देखने की हसरत ही रह गई। नुकसान है इसके अंदर और पानी उबलने के बाद होते कि बादियों में पानी चला जाता अंदर, इतना पानी एक डेढ़ डेढ़ फीट घरों में घुस जाता है। जितने भी घरों में गए कुछ भी सामान नहीं बचा, और इस साल भी ना नालों की सफाई हुई है ना कुछ हुई है। इधर के लोग जो है बर्बाद हो जाते हैं, महीने तक के नहीं है, एक दफा की बारिश होती है महीनों महीनों उधर मलबा पड़ा देता है, कोई उठाने वाला नहीं होता। तो साल के अंदर अगर पांच बारिश होती है पांचों दफा घर पूरा इलाका डूबा हुआ होता है। शहर भर के नालों की सफाई के नाम पर हुकूमत सिंध ने 1 अरब रुपए रखे हैं। बारिश सर पर खड़ी है, लेकिन बरसाती नालों की सफाई का दूर दूर तक कुछ नहीं पता। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खुर्शीद आलम समा, कराची।